ये सच है, जल ही जीवन है। हमारे ग्रह पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पानी है। किसान काफी समय, मेहनत और साधन का निवेश करके अपनी फसल तक पानी पहुंचाता है, जिससे वो अंकुरित हो, बढ़े और भरपूर पैदावार दे। तो कृषि में पानी का क्या महत्व है? पानी कृषि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये किसान के लिए पहली चुनौती है, लेकिन साथ ही ये अनिश्चित भी है। दो सिंचाई चक्रों के बीच की सुस्त अवधि पौधों के लिए चुनौतीपूर्ण है। सुस्त अवधि लंबी होने का मतलब है पौधों में तनाव, जिससे पौधों की गतिविधियां धीरे धीरे बंद हो जाती है। तनाव से पौधों की वृद्धि और विकास के चक्र में रुकावट आती है। पानी की आपूर्ति फिर से शुरू होने से भी पौधों के लिए फिर से शुरुआत करना आसान नहीं होता, और कर लिया तो भी विकास सही नहीं होता। पूर्ण विकास के लिए पौधों को लगातार नमी की जरूरत होती है। किसान अपने पौधों के लिए नमी के इंतजाम की कई कोशिशें करते हैं, जैसे कुआं खोदना, नहर बनाना और बड़े स्टोरेज टैंक लगवाना, साथ ही वक्त पर बारिश के लिए प्रार्थना और उम्मीद भी। ये दुर्भाग्य की बात है कि फसल को पानी मिलने पर भी वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाती। पानी का ज्यादातर हिस्सा भाप बनकर या बहकर कम हो जाता है, या पौधे ना पहुंच पाए इतनी गहराई तक रिस जाता है। उपलब्ध पानी के योग्य इस्तेमाल के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। किसानों के सामने एक अन्य चुनौती है उनके द्वारा डाली गई महंगी खाद का सही इस्तेमाल। पानी में घुली हुई अवस्था में ही जड़ें इस पोषण को सोखती हैं। कम नमी होने पर ये पोषक तत्व घुल नहीं पाते और पौधे इन्हें सोख नहीं सकते। इससे फसल का विकास कमजोर होता है। किसान के लिए तीसरी चुनौती है मिट्टी की सेहत। छिद्रयुक्त मिट्टी में वायु संचालन बेहतर होता है और इनमें फायदेमंद कीटाणु पनपते हैं, जो भरपूर फसल उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि फसल को पर्याप्त और लगातार नमी ना मिलने से किसान को उसके 20% तक बीज और डाली गई खाद का 50% से अधिक का नुकसान हो सकता है। UPL किसानों की कामयाबी के लिए प्रतिबद्ध है, और अब पेश करते हैं एक आविष्कारीय उपाय जो इन चुनौतियों का जवाब भी है और पर्यावरण मित्र भी। कृषि को बस इसका ही इंतजार था। पेश है ज़ीबा। तो क्या है ये ज़ीबा? ज़ीबा स्टार्च से बना एक तीव्र अवशोषक है। इसे कृषि के अनुरूप बनाया गया है। ये फसल की जरूरत के मुताबिक पानी और शोषण को सोखने, पकड़े रखने और फिर उन्हें पुनः प्रवाहित करने का काम करता है। रोपण के वक्त डालने पर ज़ीबा अपने वजन का 400 गुना जितना पानी सोखता है, और फिर फसल के विकास के दौरान पानी और घुला हुआ पोषण पौधों को देता है। स्टार्च से बना होने के कारण ज़ीबा पौधों के अवशेष की तरह मिट्टी में जैविक तरीके से घुलकर मिट्टी को जैविक खाद देता है। मिट्टी में ज़ीबा की जाल जैसी संरचना से इसे पानी को आकर्षित करके उसे रोकने में मदद मिलती है। ये नमी को ढाल से बांधता है। इसकी पकड़ जड़ों के सोखने की शक्ति से ज्यादा कमजोर होती है। जब भी पानी की जरूरत होती है, तब पौधों की जड़ें उसे ज़ीबा से प्राप्त कर लेती हैं। ज़ीबा किसान के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों का उपाय देकर उन्हें कामयाब बनाता है। दो सिंचाई चक्र के बीच की सूखी अवधि जब पौधे तनाव में होते हैं, तब ज़ीबा अपने अंदर संचित किए हुए पानी की आपूर्ति करता है। कम तनाव से फसल का स्वस्थ विकास होता है। नमी के अलावा ज़ीबा जड़ क्षेत्र में घुले हुए पोषक तत्व भी रोके रखता है। अगर ज़ीबा उन्हें रोके ना रखे तो इनमें से कई पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। किसानों को ज़ीबा का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? सबसे अच्छी बात यह है कि ज़ीबा लगाने के लिए किसी स्पेशल औजार या अतिरिक्त साधनों की जरूरत नहीं है। इसे बस खाद के साथ मिलाना है और रोपण के वक्त जड़ क्षेत्र में डालना है।
प्रति एकड़ 5 किलो के हिसाब से। दुनिया भर के किसान ज़ीबा इस्तेमाल करते हैं, जिसके कई फायदे हैं। बेहतर गुणवत्ता और ज्यादा उत्पादन से बेहतर आय, खाद की कम खपत और पानी के कम इस्तेमाल से किसान के लिए खर्च में कमी, मिट्टी से पोषण के रिसाव को रोकने की वजह से ये पर्यावरण मित्र भी है। इससे फायदेमंद कीटाणु पनपने में मदद मिलती है। ये मिट्टी की ठोसता को कम कर मिट्टी की छिद्रता को बढ़ाता है। जैविक तरीके से मिट्टी में घुला जाने के कारण ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। ज़ीबा से किसानों को मन की शांति मिलती है। इससे उन्हें छोटी सूखी अवधि के दौरान भी फसल की सुरक्षा का भरोसा रहता है, वरना फसल बर्बाद होने या फिर से बुआई की नौबत आ सकती है। ज़ीबा लगाने में आसान है और किसानों के लिए इसे अपनाना मुश्किल नहीं है। ज़ीबा वो उत्पादन है जो किसानों के लिए निवेश जैसे बीज, खाद और रसायनों को बेहतर तरीके से उपयोग में लाता है। ज़ीबा एक असरदार, कार्यक्षम और किफायती उपाय आपके फसल को लगातार नमी देने के लिए। ज़ीबा, जिसका कृषि को था इंतजार।